आज का जो हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 2 पार्ट में, जिसमें व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू मीजर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD ऑफ द एफ्लुएंट। एट व्हाट स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज दिस टेस्टिंग डन, यानी कि जो BOD है किसी एफ्लुएंट का उसको मीजर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज दिस टेस्टिंग डन, मतलब किस स्टेज पर इस सीवेज ट्रीटमेंट को किया जाता है। सेकंड इसका क्वेश्चन है BOD लेवल ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ वाटर लेबल्ड एज ए बी एंड सी आर 60 ml पर एल और 60 mg पर एल, 20 mg पर एल और 500 mg पर एल रिस्पेक्टिवली। विच सैंपल ऑफ वाटर इज मोस्ट पॉल्यूटेड, ये हमें 3 ABC सैंपल दिए हैं, उनमें जो लेबल दिया गया है सैंपल का वो 3 दिया है, ए का 60 mg पर एल, 20 mg पर एल, बी का और सी का दिया है 500 mg पर एल। तो विच सैंपल ऑफ वाटर मोस्ट पॉल्यूटेड, इस सैंपल को देखकर हमें बताना है कि कौन सा सैंपल मोस्ट पॉल्यूटेड है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाई इज द इम्पोर्टेंट टू मीजर BOD, मतलब किसी एफ्लुएंट का BOD जो है वो मीजर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए BOD क्या हुआ, बायो ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये बताता है कि एक तरीके से जो ऑक्सीजन का अपटेक है, और ये ऑक्सीजन का अपटेक कौन कर रहे हैं, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन का अपटेक है और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका अपटेक कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, और होगी किसमें, किसी भी सैंपल में, कोई भी सैंपल वाटर दिया होगा उसमें। तो फिर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ कि ये जो BOD टेस्ट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो ऑक्सीजन का अपटेक किया जाता है उसका मेजरमेंट होता है, और किस किस में, जो भी हमारा गिवन सैंपल होता है, कौन सा सैंपल, वाटर सैंपल की बात करें, गिवन वाटर सैंपल, ठीक है। तो ये इसलिए करना जरूरी है ताकि हमें पता चल सके, एट व्हाट स्टेज ऑफ सीवियर ट्रीटमेंट इज दिस टेस्टिंग डन। देखिए पहली चीज तो ये है कि ये जो जो BOD होता है यानी कि जो टेस्टिंग की जा रही है ये एक इंडिकेटर के तरीके से होता है, यानी कि ये क्या हो रहा है, एक इंडिकेटर हो रहा है जो ये बता रहा है कि जो वाटर सैंपल हमने लिया है उस वाटर सैंपल में पॉल्यूशन का लेवल कितना है। अब रही बात क्वेश्चन सेकंड, ये था कि किस लेवल पर इसका टेस्ट की करना चाहिए, तो जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर इसको टेस्ट करना चाहिए, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर इसको टेस्ट किया जाता है, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिया है कि BOD लेवल दिया है 3 सैंपल के और उसका मेजरमेंट इतना इतना दिया है। देखिए जितनी वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वही वाला सैंपल क्या होगा, मोस्ट पॉल्यूटेड होगा। तो ये तो हमारा कितना है, 60 है, ये 20 है और ये 500 है, यानी कि ए का 60 था, बी का 20 था और सी सैंपल का क्या था, 500 mg पर एल। तो यानी कि जो हमारा सैंपल सी है वो सैंपल सी हमारा मोस्ट पॉल्यूटेड है। क्यों पॉल्यूटेड है, क्योंकि जो इसका BOD लेवल है तीनों सैंपल में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो इसलिए ये क्या है, सैंपल सी मोस्ट पॉल्यूटेड है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, अगले क्वेश्चन के साथ फिर जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।